हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 के टेबल इवेंट लिसनर के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि टेबल इवेंट लिसनर होता क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट इसका जो है ना लाइव एग्जाम्पल, जो फाइनल डेमो है, उसको देख लेते हैं। तो टेबल जो इवेंट लिसनर है, यानी कि इसका नाम से समझ सकते हैं कि इवेंट लिसनर, यानी कोई भी इवेंट होता है उसको कैसे लिसन कर सकते हैं। लिसन मतलब सुनना या फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस पर जो भी ट्रिगर होने वाला है उस चीज़ को डिफाइन करना, मतलब वही होता है। ठीक है, अब इवेंट यानी कोई भी इवेंट हो सकता है। अब अगर बेसिकली हिंदी में समझे, इवेंट का मतलब होता है कि शादी ब्याह हो गया या फिर कोई प्रोग्राम हो गया, छठी मुंडन, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं कि भाई वहाँ पे एक इवेंट है, वहाँ पे गया हुआ। लेकिन यहाँ पे कोडिंग के लैंग्वेज में इवेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से कोई हरकत होना, मतलब कि कुछ भी होना, जैसे कि किसी पे क्लिक करना, डबल क्लिक करना, माउस लेके जाना, माउस उससे बाहर लेके आना। ठीक है, या फिर बहुत तरह का इवेंट तो भरा पड़ा, आप देखेंगे HTML DOM का लिस्ट भरा पड़ा इवेंट। तो ठीक है, तो उस तरीके के इवेंट जो है ना, अब यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि टेबल इवेंट लिसनर, यानी टेबल का जो इवेंट लिसनर, तो मैं सीधा डॉक्यूमेंटेशन पर लेके जाता हूँ, आपको बहुत ही सिंपल तरीके समझाऊंगा। टेबल में ना बहुत कुछ होता है, ये टॉप बार है, ठीक है, टूल बार है, ये टेबल का हेडर, ये टेबल का बॉडी, ये फुटर है, बहुत कुछ होता है टेबल पे। ठीक है, तो आप किस चीज़ पे, जैसे ये जो है ये रोज़ है टेबल का, ठीक है, आप इस पे इवेंट लगा सकते हैं, आप इस पे लगा सकते हैं, आप फुटर पे लगा सकते हैं, आप इस पे मतलब कहीं पर भी लगा सकते हैं इवेंट, आप स्पेसिफिकली किसी सेल पे लगा सकते हैं इवेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इवेंट लगाना कहाँ चाहते हैं, वो तो लग जाएगा इवेंट। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि यू कैन डू दिस बाई पासिंग प्रॉप्स टू एनी MUI डॉट 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 प्रॉप्स। इसका क्या मतलब हुआ, MUI करके लिखेंगे ना उसको, तो भाई बहुत सारा है, वो कैसे पता चलेगा कि भाई कितना सारा है? अब बोलो ना कि सुब्रतो तुम तो बोल दिए बहुत सारा है, तो कहाँ कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि अब किस पे। अभी तो हम लोग देखेंगे कि क्या, अच्छा मैंने तो अभी तक फाइनल डेमो ही नहीं दिखाया। ठीक है, अभी फाइनल डेमो दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे तो आपको लिस्ट भरा पड़ा है कि आपको कहाँ पे लगाना, आपको सर्च बार पे इवेंट हैंडलर लगाना है, ठीक है, या फिर आपको कहाँ पे स्केलेटन पे, टेबल का बॉडी, सेल प्रॉप सेल पे लगाना है, बॉडी पे लगाना है, रो पे लगाना है, कंटेनर पे लगाना, कहाँ पे, पूरा लिस्ट, फूटर पे लगाना, पूरा लिस्ट भरा पड़ा, तो आप यहाँ पे देख के अपना समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अभी यहाँ पे जो मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाने वाला हूँ वो देख लेते सबसे पहले। ठीक है, तो हमने लगाया हुआ रो पे, अब इसका क्या रियल वर्ल्ड यूज़ आप बोलोगे, तो रियल वर्ल्ड इसका यूज़ केस ये है कि बहुत बार क्या होता है करंट एप्लीकेशन में हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा टेबल पर डेटा दिख रहा है ना, तो वो पूरा नहीं दिखता, हल्का सा दिखता है, दो चार कॉलम ही होता है, और हम लोग क्लिक करते हैं तो इसका पूरा दिखते हैं। जैसे स्ट्रैपिंग डैशबोर्ड में कैसे होता है, इसी तरीके से होता है ना, थोड़ा सा दिखता है, बाकी क्लिक करते तो अंदर में पूरा हमें पूरा करंट ऑपरेशन मिलता है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो या फिर उसको व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर भी उसी तरह का चीज़ हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कहीं पर भी, रो पे हमने लगाया हुआ, सेल पे नहीं, किसी यहाँ स्पेसिफिकली कहीं क्लिक करना पड़ेगा, इस रो पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे रैंडमली, ये तो इस तरीके से बेसिक UI खुल रहा है, बट आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपना एक एडवांस या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस तरीके का इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, कैसे टेबल इवेंट लिसनर की मदद से। ठीक है, ये देखो इसका आइडिया 1 था, इस तरीके से आया। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट ऑटो डॉम को भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, और उसका नेम और फोन नंबर आया, फिर हालांकि सारा डेटा यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बस समझाने के लिए रखा हुआ है कि आप इजीली इसको समझ पाए, ये देखो ठीक कितना सिंपली है। तो उसको कैसे करेंगे टेबल इवेंट लिसनर की मदद से, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया बहुत सारा, लेकिन मैं आपको सिंपल और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ कोडिंग करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, बेसिक टेबल ब्रांच रहेगा, कोड पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड जिप पे करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसको आपको NPM इंस्टॉल रन करना है VS कोड में, फिर NPM रन डेव रन करना, तो एक बेसिक टेबल रन हो जाएगा। आपको अगर फाइनल कोड चाहिए तो यहाँ पे सिंपली इवेंट लिखना, तो इवेंट लिसनर ब्रांच आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और भी अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे यहाँ पे मैंने स्टार्टर कोड को ओपन कर दिया, यहाँ पे रन करते हैं NPM रन डेव। ठीक है, और फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, app.jsx फाइल ओपन करती है, 5173 लोकल होस्ट पर रन हो गया, यहाँ पे ये रन हो रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक टेबल, यहाँ पे कुछ भी उस तरीके से आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तब तक यहाँ पे निकालते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया कि अगर सेल पे लगाना, तो ऐसा पहले सेल वाला देखते हैं इसलिए ना, क्योंकि ये वाला खत्म करेंगे, ये सिंपल है, मतलब दोनों ही सिंपल है, लेकिन इसका कोई रियल वर्ल्ड मेरे को ऐसा लगा नहीं, तो ये समझाने के लिए सही है, बट इसका मेरे को लगा कि हाँ इसका कुछ रियल वर्ल्ड निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये रहा बेसिक, यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको करना क्या, सिंपली देखो अभी सेल पे लगाना, तो MUI लिखना, फिर उसका आपको यहाँ ट्रिपल डॉट दिया था, यानी ट्रिपल डॉट में कुछ भी हो सकता है, वो पॉपअप में भी दिख जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर टेबल के कॉन्फ़िगरेशन पे आना है कहीं पर भी, और MUI लिखना है, जैसे लिखेंगे ना सारा आ जाएगा, ये देखो MUI का सारा कुछ कहाँ पर आपको लगाना है। तो जैसे सेल पे लगाना तो सी लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखो टेबल टेबल बॉडी सेल प्रॉप से, या टेबल हेड सेल प्रॉप से, टेबल फुटर सेल प्रॉप से, देखो कितना डिटेल में कि आपको कहाँ पे एग्जैक्टली पूछ रहा है, किस चीज सेल पे लगाना, तो सेल भी तीन जगह होता है, समझ रहे हो, तो बहुत ही भाई स्पेसिफिकली है इसमें। जैसे ऐसा करेंगे
ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अब इसके अंदर ना आप कोड क्या क्या दे सकते हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे वो कोड दे सकते हो जो आप किसी भी कंपोनेंट पे या टेबल बॉडी सेल पे आप प्रॉप्स के तरीके से दे सकते थे। जैसे कैसे आप देते हैं, टेबल बॉडी सेल का अगर निकालोगे मेटेरियल वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन, तो उस पर कैसे आप दे सकते थे। अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिखा ही हुआ रहेगा, वो सीधा डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएगा। क्योंकि मैं आपको ना भाई रट्टा नहीं मरवाना चाहता हूँ कि आप रट्टा मार लो, ठीक है, कि भाई आप ऐसे समझ लो। मैं आपको एग्जाम रीज़न देना चाहता हूँ कि ये देखो ये ऐसे होता है, ठीक है, ताकि आप समझो। ये देखो यहाँ पे हमने इसका फाइंड किया, यहाँ पे मिला, सीधा जाओ यहाँ पे, देखो इसका प्रॉप्स पे ले जाएगा, मतलब मेटेरियल वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पे। ये खुलने दो थोड़ा भाई। ये देखो अब यहाँ पे जो प्रॉप्स पे देखो ना, ये सारा कुछ आप पास कर सकते हो, सारा कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल लेके थोड़ा मज़े के लिए देखते हैं कि भाई अगर हम लोग साइज को अगर स्मॉल कर दें, मान के चलो, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कुछ तो दिख नहीं रहा भाई, कुछ दिखा क्या? कैसे पता चलेगा कि साइज स्मॉल काम हुआ नहीं हुआ? इसको कमेंट करते बहुत स्पीड से आते हैं ना भाई, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, बताओ यार, ये तो मजाक हो गया अलग सा। अच्छा रुको और देखते हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, काम नहीं किया। इस एक प्रॉप से ट्राई करते हैं, मतलब होना तो चाहिए था ना। अब भाई मैं कैसे बोलूँ, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कलर देते हैं, कलर रेड, ठीक है, तो इसका जो है सेल का कलर रेड हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये काम कर गया भाई। अब देखो यहाँ पे साइज इसलिए नहीं काम किया, मे भी हो सकती है जो टोगल डेंसिटी है ना, ये वाला कंट्रोल कर रहा होगा, मे भी, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो उसका साइज देता है, तो यहाँ होना तो चाहिए था भाई। अगर साइज स्मॉल कर दे, पता नहीं। अब ये स्टाइलिंग तो है नहीं कि इंपॉर्टेंट लिख देते हैं उस तरीके से, स्टाइलिंग जैसा ऐसा तो नहीं कर सकते ना, लेकिन भाई ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे देखें। यहाँ पे हो सकता है ना ये जो वैल्यू दे रहे हैं इसका ओवरराइड कर देता होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब भाई क्योंकि देखो ये जो साइज है ना, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो यही तो साइज है ना एक्चुअल में। बाकी प्रॉप्स तो काम कर गए, ऐसे अलाइन है, तो अलाइन अगर हम लोग कर देंगे, इसको हटाते हैं, ठीक, इसको छोड़ते हैं भाई, क्योंकि अलाइन कर देते हैं राइट, ठीक है, अलाइन अगर राइट कर देते हैं इस तरीके से, सेव नहीं किया मैंने, सेव करते हैं, ये देखो इधर घिसक गया है ना, तो बाकी सब तो काम करेगा बराबर। और उसके बाद पैडिंग है, कंपोनेंट है, बहुत कुछ यहाँ पे, शॉर्ट डायरेक्शन है, बहुत कुछ, A6 प्रॉप है, वेरिएंट है, ठीक है, वेरिएंट भी अपना अपना है, तो ये सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब क्योंकि ये कलर घटाते हैं, क्योंकि अब जो है ये जो है ये इवेंट लिसनर का पार्ट है, तो यहाँ पे एक और एक कमाल का चीज़ दिया ना कि अब यहाँ पे तो इवेंट है ही नहीं, क्या मतलब वो इवेंट लिसनर का, तब है ना। ऑब्वियसली आप इसके सारे प्रॉप्स को पास कर सकते हो यहाँ पे, वो चीज़ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, जो मसला है कि इवेंट लिसनर का, वो कैसे आएगा, कहने का मतलब है। अब देखो यहाँ पे तो आप सारे इवेंट्स यहाँ पे दे सकते हो, ऑन क्लिक हो गया, ऑन ब्लर, ऑन डबल क्लिक, सारा कुछ, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ, इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे जो है अब भाई यहाँ पे जो है सेल कहाँ से आया, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ये है ना, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और सॉरी अब पेस्ट करेंगे, और यहाँ से डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, यहाँ बहुत कुछ आता है, टेबल आएगा, रो आता है, सेल आता है, ऐसा बहुत कुछ आता होगा। अगर आप कॉन्सोल लॉग करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना किसी सेल पे, डबल क्लिक करना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है, डबल क्लिक इवेंट हैंडलर है ना, कि ऑन क्लिक लगाएंगे तो सिंपल होगा, ठीक है। ये देखो आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे तो इवेंट आया और सेल आया, ठीक, कहने का मतलब कि आप ऐसा कुछ अपना जो अगर आपको कोई दरकार है आप उसको कर सकते हो। अभी फन के लिए जैसे करते हैं, किसी भी डबल क्लिक करें तो उसका कलर रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, फन के लिए देखते हैं। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इवेंट, ठीक है, इवेंट डॉट करंट टारगेट, यानी एग्जैक्टली उस एलिमेंट के बारे में बातचीत हो रहा है, करंट टारगेट, और फिर लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड कलर जो लिखे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे रेड दे देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, और यहाँ पे कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है, बस फन क्लियर, समझ रहे हो ना आप। आपको इसका रियल वर्ल्ड निकालना पड़ेगा कि क्या इसका रियल वर्ल्ड है, अगर आपको कुछ ऐसा यूज़ है तो इस तरीके से अपना कर सकते हो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, आपको हाईलाइट करने का, अच्छा भाई इसका देख लेते हैं, बाद में देखते रहेंगे, तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक फन तरीके से कुछ हो गया, ठीक है। अब A6 प्रॉप में भी अपना दे सकते हो, क्योंकि स्टाइलिंग करना है सेल को, ठीक है। तो ये भाई बस इतना था, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, बस ये समझने के लिए था। अब मेन पार्ट पे आते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि अगर इस पर क्लिक करें तो सीधा हम लोग चल जाए, कहने का मतलब है एक पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे ये कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग फिर वही लिखना पड़ेगा, MUI टेबल बॉडी रो प्रॉप्स, ये रहा, ठीक है, इस पर, और यहाँ पे सीधा एक कॉमा दे देते हैं, नहीं तो फिर नीचे वाला एरर आ जाएगा, और यहाँ ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ पे इवेंट आ जाएगा इस तरीके से, आप चाहे लो या ना लो आपकी मर्जी है, और कौन सा लोग क्लिक करते हैं, क्लिक, ऐसे अभी के लिए
ठीक है। और अगर कंसोल आप ओपन करोगे ना भाई, जैसे एक बार क्लिक करोगे तो क्लिक डन है ना, और यहाँ पे आपको फिर वही चीज़ है कि आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली भी इस तरीके से फंक्शन कॉल कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें बहुत कुछ होता है। तो जैसे यहाँ पे रो है, ठीक है, और क्या क्या है भाई, रो है, एक सेकंड भाई ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ यहाँ तो आ रहा है सही से, मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, रो लिख रहे हैं तो भाई ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा, तो मेरे को लगा पता नहीं कुछ गलती होगा। और यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे ना रो डॉट ओरिजिनल करोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, तो आपको वो एक्चुअल डेटा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो ये पूरा का पूरा डेटा मिल गया, ठीक है। इस तरीके से रो आता है, सेल आता है, टेबल आता है, बहुत कुछ आता है, सीधा कंसोल लॉक करके भी देख सकते हो। ये चीज़ हो गया। और चाहते हैं माउस लेके जाने से ना यहाँ पे पॉइंटर है ओवर करने पे, तो कैसे करेंगे, सिक्स प्रॉप लगा के करेंगे ना, या सारा प्रॉप्स यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना कैसे आपको देखना है कि किसी पार्टिकुलर का क्या क्या प्रॉप्स अप्लाई होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखाया था ना। कर्सर पॉइंटर, ये देखो पॉइंटर आ रहा है, तो थोड़ा फील दे रहा है कि हाँ क्लिक करने से कहीं जाएंगे ऐसा वाला, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट ऑटोडॉम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, इंटर करते हैं और ये इंस्टॉल होने देते हैं इसको। तो भाई इंस्टॉल हो चुका है, अब क्या करते हैं, आप जाते हैं main.jsx में और फटाफट राउटर एक सिंपल से क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्फ राउटर इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, क्रिएट ब्राउजर राउटर एरे देंगे, पाथ देंगे, अगर स्लैश होम पेज है तो एलिमेंट इस पर दिखाए ऐप कॉम्पोनेंट, ठीक है। और अगर यहाँ पे है पाथ स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश आईडी डायनेमिक आईडी है, तो एलिमेंट दिखा, मान लो वो क्रिएट नहीं किए, एक क्रिएट कर देते हैं फटाक से, स्टूडेंट्स डॉट जी एस एक्स एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है प्रॉप्स ऐसे ले लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं डिप टैग, जिसमें देते हैं H1 स्टूडेंट IIT ABCD ऐसा अभी के लिए लिख देते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को इस तरीके से देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ऐप को क्लोज कट कर देते हैं और यहाँ देते हैं राउटर प्रोवाइडर राउटर इक्वल्स टू राउटर, ठीक है, ये हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अगर रिलोड लेता हमारा एप्लीकेशन तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे करेंगे जैसे अभी के लिए टेस्टिंग के लिए स्टूडेंट्स स्लैश 100, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि टेबल पे क्लिक करने से हो, ठीक है। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है भाई, app.jsx में जाते हैं, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं जब भी कोई दिखाता हूँ कुछ भी चीज़, तो ऐसा मत मान लो कि सुब्रत ने बोल दिया भाई तो पत्थर की लकीर है, ठीक है। आप सोचो कि उसको अलग तरीके से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोनों बताऊँगा। एक क्या कर सकते हैं, एक जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसमें इसका कंपोनेंट प्रॉप सेट करते हैं, क्योंकि याद करना कि मेटल यूआई में हर एक कंपोनेंट में आप कंपोनेंट प्रॉप सेट कर सकते हो, जिसमें बता सकते हो कि ये कंपोनेंट क्या किसी और कंपोनेंट कैसा बिहेव कर सकता है, मतलब हाइब्रिड जैसा कुछ बना सकते हो, ठीक है, कंपोनेंट। और यहाँ पे जो है लिंक दे देते हैं और यहाँ ला के इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया होगा लिंक, यानी जो रिएक्ट और डॉम का कंपोनेंट है। अब जो है ये जो सेल मतलब रो है वो PR जो टैग होगा ना वो लिंक के जैसा बिहेव करेगा, इसको सेव करेंगे तो यहाँ थोड़ा एरर आया क्योंकि हमने HREF नहीं दिया, देखो लिंक जैसा नीचे अंडरलाइन आ गया ना, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 2 देते हैं और 2 में अब इक्वल्स टू नहीं देंगे, क्योंकि जो भी हम लोग प्रॉप्स में देते थे ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रॉप्स फॉर्म में देंगे, बट यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट और वैल्यू फॉर्म में देंगे, ठीक है, जैसे वैल्यू देते थे ना कि इक्वल्स टू करके ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं देना गलती से भी, वो कॉम्पोनेंट नहीं ना, ये तो कॉन्फ़िगरेशन है, भले यहाँ प्रॉप्स दे रहे हैं सेम ही है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैल्यू फॉर्म में देना। तो 2 लिख के जैसे यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट्स, और क्योंकि आईडी डायनेमिक होगा तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, लिखते हैं रो डॉट ओरिजिनल डॉट आईडी करके, ठीक है, मंगोडी में तो अंडरस्कोर आईडी देते हैं, है ना। इसको सेव करते हैं और अब अगर क्लिक करेंगे किसी पे तो इस तरीके से देखो ये 1 आ गया, क्योंकि इसका आईडी 1 था, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसका आईडी 2 था तो 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ये भद्दा लग रहा है, कैसे ठीक करेंगे, SX प्रॉप से ठीक करेंगे, यहाँ पे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, क्योंकि लिंक का जो है टेक्स्ट डेकोरेशन सेट रहता है कुछ डिफॉल्ट वैल्यू, तो उसको नन कर देंगे, तो अंडरलाइन सेट रहता है बाय डिफॉल्ट, नन कर देंगे तो हट जाएगा, देखो है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब स्मॉल स्मॉल आप मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। तो अब स्मॉल स्मॉल चेंजेस से इसको अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे इसको एक्सेस करेंगे, सिंपल है, यहाँ जाते हैं
const params equals to use params hook को import कर लेते हैं और const id को params import कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप student id दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे तो ये वन आ गया, ठीक है। अब इसका डिटेल शो करना है बहुत ही सिंपल, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये फाइल था इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, जिसमें कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक बार लूप चलेगा, हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे स्टूडेंट डॉट आई डी, अगर मैच करके हमारा आई डी के साथ तो वही वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली नेम लिखता हूँ, नेम स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं मान लो फ़ोन, और यहाँ पे देते हैं ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फ़ोन और यहाँ पे आ गया ईमेल, ठीक है। तो ये देखो आ गया दीपाली मरर का, और जैसे आयुष्मान का है तो यहाँ पे इसका आईडी 3 है, ठीक है, आ गया। तो काफ़ी कूल लग रहा है भाई, बहुत ईजीली, क्योंकि ये सब चाहिए होता हमारे, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखाया कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और एक तरीका है मैं आपको और बताता हूँ, दिखाऊंगा नहीं, बता दूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो अभी ऑब्वियसली समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, कहाँ गया भाई हमारा टेबल, ये रहा। आप यहाँ पे ऑन प्रोग्रामेटिकली भी नेविगेशन करवा सकते हो कंपोनेंट लिंक और टू के बजाय, कैसे, आप यूज़ नेविगेट हुक को इंपोर्ट करोगे, है ना, और नेविगेट में वेरिएबल में रखोगे और यहाँ पे सिंपली ऑन क्लिक पे लगा दोगे कि नेविगेट, यहाँ पे नेविगेट लिख दोगे यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर ऐसे नेविगेट, और सेम यही वाला यूआरएल को आप यहाँ पे डाल दोगे, इन जो स्मॉल होगा क्योंकि वेरिएबल में वो इनिशियलाइज़ करोगे ना अपने नेविगेट को, हुक को। तो आप प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हो नेविगेशन, तो बहुत सारे तरीके होते हैं कोई भी चीज़ को करने के, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपने देख लिया कि कैसे हम लोग इस तरीके से उसको बना सकते हैं, क्रल एप्लीकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आप समझ गए होंगे कि टेबल इवेंट लिसनर क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @ तूफानी कोडर अकाउंट पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।